चलो देखो, अपन ने कल किया था एक्सियल और इक्विटोरियल और वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था ना, आज वही दोबारा कर रहे हैं। टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एट एनी जर्नल पॉइंट, कोई भी मतलब पॉइंट के ऊपर लेकर, ड्यू टू ए डायपोल। इस टॉपिक को मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लेना। करें स्टार्ट। सबसे पहले डायपोल की बात कर रहा है, तो ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, हो गया। दोनों के बीच में यहां पर पॉइंट कौन है, ये ओ पॉइंट है, यानी ये गैप कितना रहेगा, क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है। अब अगर मैं इसके यहां से आर डिस्टेंस पे ले लूं कोई ऑब्जेक्ट तो एक्सेल बन जाता है। अगर 90 डिग्री बनाते हो आर डिस्टेंस पे कोई ले लूं तो, लेकिन अपने को किसी जनरल पॉइंट पे लेना, यानी कि मैंने इसको यहां से ले लिया पॉइंट पी पर एंगल थीटा बनाते हुए, तो समझ में आया ये गैप कितना रखूं, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से इसको ज्वाइन कर दिया और इधर ए को पी से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बताओ कि आर बड़ा है या ए से पी वाला गैप है वो बड़ा है, एपी बड़ा है ना, तो एक बार मैं इसको आर वन मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं आर टू, जिसमें ये पता लग रहा है कि आर वन है वो ग्रेटर है आर से और आर टू है वो लेस है आर से। ये बातें समझ आ रही है, ये सारी ऊपर से जा रही है, कौन, अच्छा ये बातें समझ आ गई, ठीक है। अपने निकालना वही भी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, मैंने ओपी को एक्सटेंड कर दिया, कितना कर दिया, इतना एक्सटेंड कर दिया ओ से क्यू तक, एक मिनट रुकना, ये समझ में आ गया क्या, क्या किया मैंने, इस पी क्यू को इस क्यू की जो छोड़ ले लेता हूं आर ले लिया, ठीक है, इतना एक्सटेंड कर दिया, यानी कि मैं कह रहा हूं कि ओपी प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट आर वेयर एपी इज इक्वल टू पी आर हाफ का, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। साथ साथ में यहां पर एंगल क्या बना, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छा एक मिनट ना, अगर ये थीटा है तो ये 90 यानी यहाँ है, ठीक है, उसे क्या बेनिफिट हुआ, चलो छोड़ देखते हैं। अब यहां पे इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए ओ आर दिख रहा कहीं भी छोटा सा ए ओ आर, ठीक है। अगर मैं इसमें एक बार के लिए कोस थीटा निकालू, क्या निकालू, ये थीटा था तो ये थीटा वर्टिकल अपोजिट होगा, तो कोस थीटा ये है तो इसमें बेस कौन होगा, थीटा और 90 के अकॉर्डिंग ये होगा बेस, यानी ए ओ अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन होगा, क्या पे है, अब ये यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग बोलो यहाँ पे, यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यानी कि बेस तो कौन होगा, ओ आर, ये नहीं होगा, यस सर, और परपेंडिकुलर होगा ए आर, कैसे होगा परपेंडिकुलर, ये तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए अपने को, ओ ए की वैल्यू कितनी है, फिक्स है, तो यहाँ पे ए को इधर ले आऊं तो ए कोस थीटा इसकी वैल्यू हो गई, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, नहीं आया समझ, ठीक है, हो गया।
अब एक बात बताओ, ओ आर जो है ना, इसको लिखा ए कोस थीटा इजिकल टू जो आपका ओ आर है, मतलब ओ से आर, ये आपके पी आर और माइनस ओपी इक्वल है क्या? ओ से पी तो ये रहा और पी से आर ये रहा, तो इतना सा निकालना है, मतलब ये इसको माइनस कर दूं तो ये जाता है। अच्छा पी आर जो है, जो पी आर है वो आपने क्या होता है इसके इक्वल आपके, यानी कि ए कोस थीटा इजिकल टू में पी आर को मैं लिख सकता हूँ ए पी माइनस ओपी को क्या लिख दूं, ओ से पी को, ये आर उधर चला जाए तो ए पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि इस आर वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर प्लस ए कोस थीटा और एपी, यानी एपी की वैल्यू आर वन है, आर वन की वैल्यू क्या हो गई, कुछ समझ में आया या सारा ऊपर से जा रहा है, क्लियर है? ठीक है, मैंने आर वन की निकाली है वैल्यू, ऐसे में अब आर टू भी निकालूंगा, किसकी R2. मैंने क्या किया इस लाइन को, जो मतलब कि अगेन कुछ कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, जो मेरी ओपी है ना, कौन सी ओ और पी, उसके ऊपर मैंने इतनी ड्रॉ की जो पिक भी है, ऐसे करके मैंने कट लगा दिया, ये मान लो मैंने ले लिया एस पॉइंट, ले लिया क्या ले लिया, यानी कि कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, पी एस है वो मेरे पी बी की इक्वल है, इसके इक्वल है वाई कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, तो यहां पर ये मेरा 90 डिग्री बन गया, ये एंगल थीटा है ही, तो यहां पर भी इन्हें ट्राइंगल क्या नाम दू, ओ एस बी, दोनों के अकॉर्डिंग ए सॉरी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा कहां पर है, ये थीटा यहां पर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस बेस कौन होगा, बेस होगा सर ओबी, ओबी कैसे होगा बेस, बेस क्या होता है, ध्यान रखो अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मार्कर चेंज करता हूं, देखो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है यहाँ पर, और ये यहाँ पर थीटा दिया है, तो इसमें बेस कौन होगा, याद रखना थीटा के सामने वाला हमेशा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा, तो जिसके ऊपर दोनों चीजें रखी गई बेस तो वही होगा, तो इसके ऊपर थीटा यहाँ 90 है, तो ये क्या होगा आपका, समझ रहे हो क्या, तो ओ एस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि ओबी, ओबी की वैल्यू कितनी है, तो इस ओबी की वैल्यू ए डाल के लिख दूं, ए कोस थीटा, ओएस जो है उसे भी मैं कुछ लिख सकता हूं, ओ से एस जो वो मेरे ओपी माइनस एस पी के इक्वल है या नहीं है, और ये ए कोस थीटा है ही, समझ में आ रही है ऊपर से जा रही है, अच्छा ए कोस थीटा को तो ए कोस थीटा लिखा, ओपी जो है ना ओ से पी उसको मैं आर कह दूं, माइनस एस पी, एस से पी है वो मेरे किसके इक्वल है, एस से पी है मेरे यानी कि आर वन के, इस आर वन को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, आर वन सॉरी आर टू के, आर टू की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस ए कोस थीटा या नहीं होगी, बोलो बोलो, ये चीज ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर दोनों रखे जाते हैं वो हमेशा बेस होता है, तो फिर उसके अंदर वो पाइथागोरस ना लगाओगे, हाइपोटेन्यूस वगैरह ना सुनोगे, राइट एंगल ट्राइंगल तो जरूर चाहिए, ठीक है। अब हमने आर वन आर टू वैल्यू निकाल ली ना, ठीक है, अब अपन पोटेंशियल ले लेते हैं, वी वन की बात करूं और एपी के लिए, किसके लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन में आर होता है ना, लेकिन आर की बजाय मुझे गैप लेना पड़ेगा, एपी लेना पड़ेगा, क्या नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे वी टू क्या होगा, जो इधर वाला के लिए करूं तो के क्यू अपॉन में बीपी, लेकिन ये चार्ज माइनस माइनस ले लू, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल पोटेंशियल सॉरी वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, V का V, V1 की वैल्यू माइनस के क्यू और AP, AP की वैल्यू, A से P की वैल्यू, R1, R1 की वैल्यू, ये डलवा दो यहाँ पर, प्लस के क्यू BP की डलवा दो,
कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अब के क्यू कॉमन निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचा? इसको आगे पीछे कर लो, वन अपॉन में आर माइनस ए कोस थीटा और माइनस वन अपॉन में आर प्लस ए कोस थीटा, यही आएगा। वी है ही के क्यू का, के क्यू रहेगा, यहां से इनका ले लो एलसीएम, पी क्या आ जाएगा? आर माइनस ए कोस थीटा और आर प्लस, तो ये वाला उधर चला जाएगा, आर प्लस ए कोस थीटा और माइनस में ये आर और ये प्लस का ए कोस थीटा हो जाएगा, होगा ऐसा कुछ। नीचे वाला हो जाएगा एक तरीके से, सीधा लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और कोस स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। आर आर कैंसिल हो गए, सिंपल क्या बचा? ए कोस थीटा तो बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। क्या लिखूं? V इज इक्वल टू के क्यू टू ए कोस थीटा लिख सकता हूँ ना, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? तो यहाँ पर P डाल दूंगा तो सिंपल आ जाएगा, के पी कोस थीटा और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए। ये फाइनली आपका बन जाएगा जनरल पॉइंट के ऊपर। अब आप चाहो तो इक्विटोरियल पे चाहते हो, इक्विटोरियल पे कितना एंगल होता है, तो आप इस थीटा की वैल्यू 90 डाल के इसको पूरे को जीरो कर सकते हो, और एक्सेल पे कितना होता है 0 डिग्री, तो जीरो डाल के भी आप इसको जो वैल्यू आती है ना जीरो डाल के वन अकॉर्डिंग, मतलब कि के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, राइट डाउन, फिर मैं कुछ और बताता हूँ। लिखो एक बार, एक बार इसको दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और दूसरा अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, ठीक है। इसके अंदर आप इसको ए को जीरो मान लो तो ये ए स्क्वायर फिनिश हो सकता है नीचे से, कोस स्क्वायर भी, ठीक है। तो यहाँ से इसको इरेज करके एक बार दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको वो अच्छा लगने लग जाए, क्योंकि अच्छाई तो आपके अंदर भरी पड़ी है। देखो ये आपका कौन है भाई साहब, ए है, माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका बी है प्लस क्यू चार्ज वाला, ये इसका मिड पॉइंट ओ है ना। अब यहां से मैंने पॉइंट पी ले लिया जो एंगल थीटा बना रहा है, तो समझ में आ रहा है या सारा ऊपर से जा रहा है, कौन आ रहा है? ठीक है, ये एंगल थीटा था, मैंने इस एंगल को भी थीटा ही मान लिया, कोई दिक्कत पर नहीं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से समझना, मैं अगर इसको इधर बढ़ा के और इसके इक्विवेलेंट लिया था, फिर मैंने इसको भी अंदर बढ़ा के इसके इक्विवेलेंट कर दिया, किया था ना ऐसा, किया था ना। मान तो इसको R1 ही रहा हूं, इसको R, इसको R2 रहा हूं, लेकिन मैं इस बार उल्टा काम करना सोच रहा हूं थोड़ा सा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की और यहां 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, तो समझ नहीं बात, और यहां एक नया पॉइंट ले लिया, मान लो M ले लिया, क्लियर, नहीं समझ नहीं बात, कौन आगे? तो हमारा एक ट्रायंगल नया बना, इन ट्रायंगल AMB दिख रहा है क्या? उसके अंदर कोस थीटा निकालूं तो क्या निकलेगा, एक बार समझो। जितना मेरा ये यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया कि उतना ही मेरा बीपी है, यानी कि जो मैंने एमपी जो है वो मेरे बीपी की इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, किसके थ्रू, ये बात समझ आ गई। इस बार मैं बाहर ने करके अंदर काम सटा रहा हूं अपना, तो यहां पर कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा मिस लकी, बोलो, एम अपॉन में थीटा, इसके सामने वाला थीटा, एबी, एबी की वैल्यू कितनी है, मैं तो ये इधर भेज दिया 2a cos थीटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एम है आपका, एम भाई साहब को कुछ कह सकते हैं क्या अपन, कह सकते हैं जी, इसको अपन कह सकते हैं कि आप तो एपी माइनस एम हो, एमपी हो, क्या हो, कह सकता हूँ क्या? अच्छा 2a cos थीटा का 2a cos थीटा, लेकिन मैंने एपी जो है ना, एपी को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आर वन, माइनस एमपी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और बीपी को मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, आर टू। ये यहां तक समझ में नहीं आया क्या, ऊपर से गया, ये क्या किया मैंने इस बार नया पता लगा। अच्छा सिंपल चलता हूँ, वी वन की वैल्यू क्या थी, के क्यू माइनस का था अपॉन में एपी, इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको R1 ले लेता हूँ, चलो आप कह रहे हो तो। V2 क्या था, KQ अपॉन में R2, इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड वेड करके और इसका बैंड बजा दोगे, कैसे,
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू क्या है माइनस के क्यू अपॉन में आर वन प्लस के क्यू अपॉन में आर टू, आगे पीछे कर लू कॉमन निकाल दू, के क्यू दिया है वन अपॉन में आर टू माइनस, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, और समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दू V इज इक्वल टू के क्यू और इसका ले लू एलसीएम तो आएगा आर वन आर टू और आर वन माइनस आर टू, लिख सकता हूँ इस भाई साहब की तो वैल्यू आपने बनाई है ताजा ताजा, ये रही डाल दो यहाँ पे डाल दे साहब, क्या आएगा V इज इक्वल टू के क्यू और टू ए कोस उनमें आर वन और आर टू, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्यू और टू ए अपने को चाहिए पी था इसमें मेनली है ना, तो क्यू और टू ए को क्या लिखूं लकी, तो V इज इक्वल टू के पी कोस थीटा लिख सकता हूँ। और एक बार के लिए सपोज मैं ऐसा लेट कर रहा हूँ कि मेरा आर वन जो है वो इक्विलेंट लगभग आर टू के लगभग पास सी वैल्यू ऐसा मान के चलो, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं आर मान लू तो ये क्या आ जाएगा आर और आर दो बार यानी आर, यही तो था पीछे भी अपने जो किया था वहां पर सिंपल माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर जिसको मैं जीरो नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, समझ में आ रहा है। तो आप चाहो तो ये पसंद है तो ये वाला कर लेना, अगर वो पसंद था तो वो वाला कर लेना, ठीक है, चॉइस आपकी मर्जी आपकी, इतना ही करते हैं।